लोगों को जी वहां भेजना है। तो जी मैं यही अनुरोध कर रहा हूं कि मेरी लड़ाई सरकार से तो है नहीं, मेरी अपील इसलिए गई है कि अगर आप सबको कर दीजिए, हमको हम किसी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे साथ दो दो प्रकार का न्याय निर्णय नहीं होना चाहिए। एक निर्णय आया शिक्षा मित्रों को का शासनादेश गलत है, इनको बाहर करिए और इनको फिर से आप जो फैसिलिटी देना चाहें दे दीजिए, हमारे साथ जो हुआ आप जानते हैं। एक न्याय निर्णय आया, नमस्कार। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप सभी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित हैं। आप सभी के अध्यक्ष के द्वारा ये बयान आया है कि आप सभी परेशान ना हो, निरंतर प्रयास किया जा रहा है आप सभी के समायोजन को लेकर। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, सरकार के पास एक बार फिर से आपका ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा। सरकार के समक्ष फिर से एक बार संगठन उनके सामने प्रस्तुत होगा, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेगा। कुछ स्टेट ने भी नहीं हटाया, कुछ ने कार्रवाई शुरू कर दिया। जहां कार्रवाई शुरू हो गई वहां लोग उनके वो लोग भी कोर्ट में गए और उनके पक्ष में सरकार भी। जैसे एमपी का मैटर चल रहा है शर्मा जी वाला, और कोर्ट में लोग गए हैं तो कोर्ट ने ये कहा कि ये कहाँ जाएंगे। आज सरकार के वकील भी कह रहे हैं कि ये ठीक है सर, इनको छोड़ दीजिए। कोर्ट ने कहा इनको किस बेस पे छोड़ेंगे, इनको कोई ट्रेनिंग कराइए। ट्रेनिंग कहाँ होगी, कैसे होगी? फिर ये हुआ कि इतने लोग डीएलएड हैं, तो डीएलएड के लिए आपके पास कितना वैकेंसी है उसका आप पूरा डाटा दीजिए। अगर आप डाटा देंगे तो बीएड को के बाद बीटीसी को आप जाके रखे अपना एडजस्ट करिए। तो अगर बीएड एडजस्ट रह सकता है, टीटी नहीं है, डीएलएड एडजस्ट हो सकता है, तो फिर शिक्षा मित्र क्यों नहीं? मिश्रा जी, ये बड़ा प्रश्न नहीं है। हम 2 साल के बीटीसी हैं, 24 साल का सेवा का अनुभव है। सारे लोग भारत सरकार के राजपत्र का मानक पूरा करते हैं। 2010 के बाद हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। आरटी एक्ट 2011 में लागू हुआ है। आरटी एक्ट लागू होने से पहले सारे लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसा प्रोविजन आया भी था कि जो लोग आरटी एक्ट से